हम अपने फिल्म का हमने टीजर लॉन्च किया है, आपने अभी अभी देखा, पोस्टर लॉन्च किया है। हम ऑडियंस के लिए एक ऐसी फिल्म लेके आए हैं जो आज के इस माहौल में जहाँ ठंडी हवा के झोंके कम चलते हैं, गर्म हवाएं ज़्यादा चलती हैं, इस वक्त ठंडे हवा के झोंके की जैसा एक तपती धूप में एक ग्लास घड़े के पानी फील लेके आए हैं इस फिल्म। फिल्म आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा, फिल्म का नाम है प्यार के दो नाम। आप हैरान होंगे कि ये फिल्म प्यार के दो नाम, इसमें दो नाम कौन कौन से हैं, इसमें गांधी जी और मंडेला जी क्या कर रहे हैं, अगर ये लव स्टोरी है, यूथफुलनेस है, तो ये सारे सवाल आपको 3 मई को थिएटर में से हर सवाल का जवाब मिलेगा। हमारे ईपी परवेज जी भी तशरीफ ले आए हैं, उनका वेलकम करेंगे। हमारा फिल्म के अंदर जब सेमिनार शुरू होता है तो हमारे दोनों जो पार्टिसिपेंट हैं वो शुरुआत ही यहाँ से करते हैं। उनका डायलॉग है, भाभी आई वुड लाइक इफ यू रिमेम्बर द डायलॉग, गुड इवनिंग एवरीवन, विदाउट कास्ट क्रीड। जो आर्यन खन्ना का स्टार्टिंग डायलॉग है वो ऐसा ही होता है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑफ एवरीवन ऑफ एवरी कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। तो हमारा आई थिंक फिल्म का एसेंशियल फर्स्ट डायलॉग ही एड्रेस सबको करना है। हम कास्ट क्रीड और धर्म के डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव ही नहीं करते, हम मनुष्य मात्र से प्रेम की बात करते हैं। गांधी जी और मंडेला जी की, अभी जैसे मैंने बताया आपको, गांधी जी और मंडेला जी की जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, फिलॉसफी ऑफ लव है, उससे हमारे दोनों कैरेक्टर इंस्पायर्ड हैं। बाकी उनका कनेक्टिविटी क्या है, इसके लिए आपको 3 मई को फिल्म के थिएटर में आना पड़ेगा, मैं आपको बुलाऊंगा। प्यार के दो नाम कौन से कौन से है सर? प्यार के ये हो गया है, नामकरण 3 मई को है। पहला होगा एंड्रोल नाम, उनका नामकरण जो होगा वो 3 मई को होगा, प्यार के दो नाम। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत है, यूथफुलनेस में है। आप ये पाएंगे कि जो आज के बच्चे, आज के यूथ जिस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, उस रिलेशनशिप की अच्छाइयाँ क्या हैं, उस रिलेशनशिप की कम अच्छाइयाँ क्या हैं, और जो पिछली जनरेशन जिस रिलेशनशिप में बिलीव करती थी उनकी अच्छाइयाँ क्या थी और उनकी कम अच्छाइयाँ क्या थी, और इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। सर, गांधी जी और नेल्सन मंडेला अहिंसा परमो धर्म को ज्यादा मानते थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्यार के दो पल, दो नाम। सर, प्यार और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है। प्यार के बगैर अहिंसा पूरी नहीं होती, शुरू भी प्यार से होती है, खत्म भी प्यार पे होती है, और इसी तरह से प्यार अहिंसा के बगैर अधूरा है। तो आपको जो गांधी जी और मंडेला जी की फिलॉसफीज हैं उनके एक्सटेंशंस मिलेंगे फिल्म में। गांधी जी अहिंसा के नारा दे रहे थे, उसपे बात की है, हमने मंडेला जी की जर्नी में जो प्यार है उसपे बात की है। फिल्म गांधी जी और मंडेला जी में नहीं है, हाँ प्यार में है। तो अब वो कोई विरोध करेगा उसका या कोई उसका समर्थन करेगा, ये देखने के लिए 3 मई तक इंतजार करना। अभी बता दूंगा, आप नहीं आएंगे, मुझे पता है। प्यार के दो नाम आपका जो टाइटल आता है यहाँ पर, जी जी प्यार की बात चल रही है, तो मैं सब आर्टिस्टों को पूछना चाहूंगा कदम उनके जिंदगी में प्यार क्या मायने रखता है। वेरी गुड। हेलो सर, सो मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए प्यार का एक अपना महत्व है, उनके लिए प्यार की परिभाषा है अपने हिसाब से, अपने लिए, किसी और के लिए वो बहुत अलग होती है। स्पेशली मेरे लिए प्यार है एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पार्टनर ही में नहीं, मैं मेरी मम्मी को भी प्यार करती हूँ, मेरे पापा को भी करती हूँ, मेरे भाई को
दोस्तों को भी करती हूँ से भी आप प्यार करते हैं. तो प्यार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, सेक्रीफाइस, अंडरस्टैंडिंग. सो मेरे लिए प्यार की परिभाषा हर किसी के साथ अलग अलग है और वो ही इम्पोर्टेंट है. शायद मैं एक जैसा प्यार सबसे कैसे कर पाऊँगी, सबके साथ में उनके बॉन्ड, मेरे उनके साथ में कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है. इसलिए हर किसी का मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस और उनके लिए मेरा प्यार डिफरेंट है. बट हर किसी में प्यार मेरे लिए रिस्पेक्ट जो है, उनके लिए जो मेरे अंदर भावना है वो सही है, वो प्योर है, तो वही मेरे लिए प्यार है. प्यार जो है वन साइड है. सब 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 सर मैं अपने प्यार पे बिलीव करती हूँ कि मेरे लिए प्यार क्या है. एक्सपेक्टेशंस करती हूँ बट ये नहीं कि वो प्यार करते हैं नहीं करते. मैं अपना पूरा निभाऊंगी, आगे उनकी मर्जी. जी जी बोलिए बोलिए आप. नहीं प्यार की बात बोलने दो ना. प्यार की परिभाषा. हाँ जी हाँ जी बोलने दो. जी जी. अच्छा मैं बताना चाहूंगी, मैं कुछ लाइनों में बताना चाहूंगी. चलिए इस साथ बाजू में अपने इस मैं से भरी महफिल में. वाह मैं हमको कहाँ ढूंढूं. इस मैं से भरी महफिल में मैं हमको कहाँ ढूंढूं, क्योंकि अगर हम मिल गए तो इस मैं को कहाँ ढूंढूं. क्या बात है. वाह वाह वाह. मैं से मिलकर इस हम को पाऊं, मैं को छोड़कर इस हम को पाऊं, या हम को पाकर इस मैं में मिल जाऊं. मैं से हम तक का सफर, मैं से हम तक का सफर और हम से मैं तक का. अब ये किस तरह जुटे दो, तो आप ही बताइए इस मैं से भरी महफिल में मैं हमको कहां जुटूं. क्या बात. वाह वाह वाह. इसीलिए कि संगत का सर है प्यार के. जो दो नाम जो सर के पास आते हैं, हाँ इस जनरेशन में सबको ये जद्दोजहद है कि हम कितना हम रखें और कितना मैं. तो आई थिंक ये फिल्म ये दिखा रही है इस मैं और हम की जद्दोजहद और इसके बैलेंसिंग के बारे में कि हम कैसे ये जनरेशन इस बैलेंस को लेकर आगे चल सकती है और प्यार करना मुमकिन है इसके साथ. थैंक यू. और कोई कुछ देखता हूँ. देखता हूँ भाई तो सिर्फ नहीं आ रहा अपने ईशान यहाँ के दो नाम. तो मेरे लिए प्यार की वैल्यू है कि उससे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ऑब्वियसली हर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद फिर प्यार. और जैसे कायरा ने बोला कि प्यार आप हर एक किसी से करते हैं बट अलग अलग लेवल का होता है. आप अपने पेरेंट्स से भी करते हो, पेरेंट्स फ्रेंड्स एवरीवन. तो प्यार ज़रूरी भी है बट इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप अपने को खोकर किसी और में हमेशा के लिए अपने आप को yes. और बहुत पहले शाहरुख की फिल्म में बोला गया था लव इज फ्रेंडशिप. प्यार दोस्ती है. थैंक यू. थैंक यू. मेरा नाम है नमिता और मैं इस फिल्म में प्रोफेसर नजमा सिद्दीकी. एज जावेद जी ने बोला कि ये जो प्यार इन लोग का है वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है और इसको देखकर मुझे तो बहुत एनर्जी आती थी जब तक उनकी शूटिंग चल रही थी. बट हमारा प्यार भी तारीफ जी ने एक्सप्लोर करा है, थोड़ा सा मिडिल एज प्यार वो भी एक्सप्लोर करा है और बहुत अच्छी तरीके से करा है, चाहे वो प्रोफेसर का स्टूडेंट से हो या हस्बैंड के साथ हो. बट मेरी डेफिनेशन में प्यार के मेरा ना आप है ना मैं हूँ, यूनिवर्स ही प्यार की वजह से है. और इसलिए मुझे दानिश जी की स्क्रिप्ट तो बहुत ही प्यारी लगी है और इन्होंने प्यार के दो नाम रखे हैं मगर बहुत तरीकों से रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया, कई नाम को एक्सप्लोर करा है अपनी फिल्म में. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. और मगर सबसे ज़्यादा प्यार जो डेफिनेशन किसने पूछा था, ये क्वेश्चन आपने पूछा था, सबसे ज़्यादा मैंने खुद से इश्क किया है. सो इसलिए जो एक्सपीरियंस इनके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शूटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी दानिश जी और इतनी लवली कास्ट के साथ, वो मेरे खुद के इश्क में एक और एक चांद की तरह वो एक्सपीरियंस है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. सर भविष्य भविष्य बताइए प्यार के बारे में. भविष्य बताए. हाँ सर रहेगी. हाँ हाँ घुमा दी मैंने.
हेलो एवरीबॉडी, मैं रोमा नवानी हूँ और मैं माया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. सो वेल एज एवरीबॉडी से उसी का संक्षेप में ये है कि ऑफ कोर्स लव इज पहली चीज, रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कई तरीकों से इस फिल्म में भी दर्शाया गया है प्यार के अलग अलग तरीके और रिस्पेक्ट के क्या तरीके हैं. यू नो बहुत अच्छी तरह से जावेद जी ने एक्सप्लोर किया है ऑन एवरी थिंग, ऑन एवरी सीन. और इन्होंने इतना बेहतर लिखा है, इसको कमाल के राइटर है ये तो आप सब जानते ही हैं. सो एक एक जो प्यार को, प्यार के शब्दों को जो एनहांस किया है, वो इनके शब्दों ने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है. सो बहुत अच्छे से डिफाइन हुआ है. एंड ऑफ कोर्स एज एवरीबॉडी सेड कि प्यार आप हर किसी से करते हैं, बहुत लोगों से करते हैं. मेरा भी यही मानना है दैट इट्स डिफरेंट फॉर ऑल रिलेशनशिप्स. एंड ऑफ कोर्स लव इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच. बेचारे पुरुषों का नाम भाविया. I would like to. Hello everyone, good afternoon. I am Bhavya, also Aryan Khanna, जैसा आपने देखा होगा टीजर में. मेरा ये मानना है कि प्यार तो देखिए एक तरफा ही होता है, क्योंकि जो दो तरफा होती है वो तो सिर्फ भगवान की कृपा होती है या खुदा की मेहरबानी होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि लव फॉर मी इज नथिंग बट सरेंडर. If I am in love with my character, I have to surrender myself to the character. If I'm in love with a person, I have to surrender myself. If me as an actor am in love with the director, तो I have to surrender myself. मेरे जो भी बोले सही हो गलत हो, जो कि अब तक बहुत ही उम्दा है, वो वैसा ही होता है. So that's love for me. Thank you. अच्छा तकवार है ना, बहुत बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा इंसान. कबीर इन्होंने कैरेक्टर किया और बहुत अच्छे से किया. प्लीज वेलकम. थैंक यू सो मच. जैसा कि सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, आई एम अचल टकवाल एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर कबीर. सो अभी बहुत सारे डेफिनेशंस प्यार के बारे में हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आई विल नॉट गो फिलोसॉफिकल प्यार के बारे में. मैं बस ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन ये है कि जब एक मिडिल क्लास लड़का मुंबई में आता है और एक्टर बनने का ख्वाब देखता है, और जब उसकी पहली फिल्म 3 मई 2024 को रिलीज होती है, तो उसके लिए प्यार का डेफिनेशन ये है कि पूरी ऑडियंस थिएटर में 3 मई 2024 को आकर हमें बहुत सारा प्यार. बस यही मेरे लिए प्यार. हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ. हमारी फिल्म की जो खास बातें हैं, उन खास बातों में पहली खास बात यह है कि हमने फिल्म शूट, ये पहली फिल्म है जो एंटायरली शूट हुई है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 150 साल के इतिहास में उन्होंने एक दो फिल्मों को बहुत फ्यू सीन्स शूट करने की इजाज़त दी, उसके अलावा कोई परमिशन कभी किसी को नहीं मिली. हमारी फिल्म की कहानी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एक ऐसी लोकेशन चाहिए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या इंडिया में BHU या AMU ऐसी कुछ हो. हमें लगा कि ये बड़ी वर्जन लोकेशन है और हमारी कहानी में ये, तो हम कामयाब हुए. बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम कामयाब हुए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया. हमने वहाँ फिल्म को शूट किया. फिल्म की दूसरी बड़ी खासियत है फिल्म की कहानी और नैरेटिव, जो बिल्कुल अनोखा, अलग और इंटरेस्टिंग है, जहाँ आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जैसे करते हैं. तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिल्म की, वो है म्यूज़िक. फिल्म का म्यूज़िक बहुत आउटस्टैंडिंग है और फिल्म में टोटल 5 गाने हैं. एक गाना कंपोज किया है शब्बीर अहमद साहब ने और बाकी सारे गाने कंपोज किए हैं हमारे अंजन भट्टाचार्य जी ने. अंजन जी क्या नाम किसी इंट्रोडक्शन किसी तार मोहताज नहीं है. उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया है मीत ब्रदर्स अंजन के नाम से, इनका ट्रियो होता था.
और ये अकेले काम करते हैं और अकेले में तीन तीन लोगों से ज्यादा काम करते हैं, सच्ची बात ये है। बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए, गाने हमारे गाए हैं, सिंगर्स हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि जावेद अली हैं और रितु पाठक हैं, स्वाति शर्मा, रितु पाठक जलेबी भाई वाली, और स्वाति शर्मा बन्नो तेरा स्वेगर जिनका एक गाना टिंकू जी है। तो वो हैं, उसके अलावा राजा हसन हैं, उसके अलावा यानु प्रिया जी हैं, इन सब लोगों ने गाने गाए हैं। म्यूजिक अभी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं मार्केट में, जैसी म्यूजिक आप सुनेंगे और देखेंगे तो जैसा आपको टीजर देख के अच्छा लगा हो वो उतना ही अच्छा आपको गाने सुन के और देख के लगेगा। अंगद खान वाली लव स्टोरी नहीं है, लेट मी टेल यू, ये एक कंप्लीट फिल्म है जिसमें बहुत सी लेयर्स हैं, बहुत से एंगल हैं जो हमारे दिलों को टच करते हैं, लेकिन सबकी बेसिक एसेंस लव है सबका। जैसे कि जब खुदा ने दुनिया को बनाया और दुनिया के इंसानों को बनाया तो उसका बेसिक एसेंस लव था, उसने प्यार किया अपने बंदों से और इंसानों से, इंसान झगड़ने लगे वो अलग बात है, तो अगर उसका प्यार दिखाना है तो ये झगड़ा भी देख के ही प्यार आएगा ना। लाइफ वाइज बहुत सी लेयर्स हैं फिल्म में, वो जब फिल्म आप देखेंगे तो वो लेयर्स आपको कहीं हंसाएंगी, कहीं गुदगुदाएंगी, कहीं चौंकाएंगी, कहीं रुलाएंगी, एंड फाइनली जब आप बाहर आएंगे तो आप, मुझे उम्मीद कम है कि मुझे गालियां दे रहे होंगे, उम्मीद है कि दुआएं दे रहे होंगे। दिस इज हाउ द फिल्म ग्रोस। जावेद सर, सर ये जो पिक्चर आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो प्यार के दो नाम से? हाँ, प्यार के मैसेज इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने अभी कहा जवाब दिया कि प्यार जो है वो दुनिया की हर समस्या का हल है। आप अगर किसी से नाराज हैं, किसी से रूठ गए हैं, आप अगर किसी को अच्छा नहीं समझते, आज आप किसी को बुरा समझते हैं, आप किसी दूसरे धर्म वालों को अच्छा नहीं समझते, किसी दूसरी जात वालों को अच्छा नहीं समझते, पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, अपने कलीग से झगड़ा हो गया, इन सारी समस्याओं में बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं, इनका एक हल है और उसका उस हल का नाम है प्यार। अगर उस प्यार को आपने ठीक से जान लिया, समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप कोई महात्मा, कोई साधु, कोई फिलोसोफर, कोई साइंटिस्ट या कोई ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके पीछे पीछे दुनिया अपना घर बार छोड़ के चल पड़ती है महात्मा बुद्ध की तरह। फिर भी ये इस्तेमाल हुआ है कि जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह दुनिया के हर बड़े आदमी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो वो बेसिक एसेंस जो है इस कायनात का वो लव है। हम उस पर बात करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी फिल्म के जरिए से कि हम, आप मुझे खोल रहे हैं और ज़्यादा बोलने के लिए, ये कहना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए से कि हमने शायद मोहब्बत के मानी, लव के मानी थोड़े से गलत ले लिए। हमारी निगाहों में प्यार का मतलब ये है कि कोई हमारे लिए सोता है, कोई हमारे लिए जागता है, कोई उठता है, कोई केयर करता है, कोई जीने की कसम खाता है, कोई मरने के वादे करता है, हम इसे प्यार समझते हैं। इसे उल्टा करके देखिए एक बार, हम किसी के लिए सोते हैं, किसी के लिए उठते हैं, किसी के लिए जीते हैं, किसी के लिए खाते हैं, किसी के लिए पीते हैं, किसी के लिए बढ़ जाना चाहते हैं, ये भी तो प्यार है। ये प्यार का दूसरा नाम है, ये सेकंड स्टेज है प्यार, यहाँ ढूंढना है। सर दूसरा सवाल आपका है कि पिक्चर पे एएमयू यूनिट से पहली शूटिंग हुई है तो किसी को देते नहीं है, तो आपकी दी, आपको दी गई, उसके पीछे उसका कारण क्या है? मैं खुद एएमयू से, उसका बड़ा कारण यह, मैं एएमयू का प्रोडक्ट हूँ, एलुमनाई हूँ। मेरे डॉक्टर राही मासूम रजा एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब के प्रीफेस में उन्होंने लिखा कि मेरी तीन माँ हैं, एक वो माँ जिसने मुझे पैदा किया और बचपन में मर गई जिसकी मुझे शक्ल भी याद नहीं, एक ये गाँव, ये देश जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी मिट्टी में मैं पला बढ़ा, और एक वो यूनिवर्सिटी जिसने मेरे अंदर के इंसान को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आपके सामने खड़े होकर बोल सकूं, उस तीसरी माँ का नाम है मेरी वो यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वो जो डॉक्टर राही मासूम रजा की माँ है ना, मैं भी उसी का बेटा हूँ।
अच्छा ऐसा नहीं कि ये फिल्म आने के बाद तो अपनी वर्सिटी में भी एक प्यार का नया कोर्स चालू हो जाए, चैप्टर चालू हो जाए। हम तो क्या रहे हैं, प्यार का तो हर दौर में देखिए प्यार के कितने रंग हैं। प्यार का एक रंग वो है जो रुक्मणी ने कृष्ण जी से किया, प्यार का दूसरा रंग वो है जो राधा जी ने कृष्ण जी से किया। अच्छा सपोज मान लीजिए एक का क्लास चल रहा है और प्यार का ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसमें जो प्रोफेसर आएंगे वो लेक्चर कैसे शुरू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे शुरू करेंगे जैसे एक पिता अपने बच्चों को समझाना शुरू करता है, और एक पिता अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों याद रखना कि जिस जब तक मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ और सपनों में आके तुम्हें अच्छा और बुरा बताता हूँ, वो इसलिए है कि मैं तुम मुझे प्यार रखते हो। आपके आपको फिल्म में हीरो हीरोइन और तमाम स्टार कास्ट से वो सुंदर भाषा सुनने को मिलेगी जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसमें हिंदी थोड़ी सी हिंदी होती है, थोड़ी सी उर्दू होती है और थोड़ी सी पंजाबी होती है, थोड़ी सी और दूसरी जबानें होती हैं। हम हिंदुस्तान के रहने, आपको मैं चाह ये बताऊँ कि ये जो उर्दू जबान है ये हिंदुस्तान में पैदा हुई, और इस उर्दू जबान का उर्दू जबान नाम पढ़ने से पहले क्या नाम था, इसका नाम था हिंदवी। आप गूगल पे हिंदवी डाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसका नाम था हिंदवी, यानी हिंदुस्तान। ये आपको ये जान के हैरत होगी कि उर्दू जबान जो है उसमें 82% वोकेबलरी इंडिया की अलग अलग भाषाओं में से है, मराठी से लेकर बंगाली तक, संस्कृत से लेकर पंजाबी तक, तो वो है। तो ये सारी जबानें आपको की जो चाशनी है वो आपको हमारे घर को सुनाई देगी। बहुत अच्छा आपका क्या मतलब सोच है। थैंक यू सर। ये अंजल जी हमारे म्यूजिक के बारे में आपको बताएंगे, ये हमारी समझिए म्यूजिकल वॉइस अंजल भट्टाचार्य। आप इसे सवाल कर सकते हैं, म्यूजिक का क्या है कि म्यूजिक बन गया है, कुछ गाने बन जाते हैं और हम लोग ने कुछ सोचा भी नहीं था। हर गाने में मैंने इनसे कहा कि इस तरह का मूड हो कि ये लिखते थे और मैं कंपोज करता था, और वन शॉट में हर गाने अप्रूव हुए। तो मेरे बैंक में काफ़ी गाने थे, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि अंजन वो आप ये बैंक से कोई गाने आप सुनाओ। हम लोग ने सब गाने नए बनाए बैठ के, जैसे पहले गाने बना करते थे वैसे बैठ के हम लोग ने ट्यून बनाई, वैसे लिखी गई, वैसे सिंगर्स ने गाए। ओवरऑल बहुत अच्छे गाने बने हैं, हमने कोशिश की है और आप लोग तक आएंगे तो आप लोग सुने और आप उनको पसंद करें, यही चाहता हूँ। जो प्लॉट है हमारा सी दैट डेफिनेटली इन्वॉल्व्स लव, जैसे कि आपको पोस्टर देख के भी समझ में आ रहा होगा, एंड फॉर सम रीजन इट इन्वॉल्व्स गांधी जी एंड नेल्सन मंडेला जी आल्सो। अब इस पूरी फिल्म में जहाँ पे एक हमारा NRI कैरेक्टर है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आ रहा है, और ये जो हमारे शो में एक हैव यू टोल्ड दीस पीपल व्हाट अ कैरेक्टर इज अभी तक? एक्चुअली वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड पीस सेमिनार इंट्रोड्यूस होता है उस कॉलेज में, AMU यूनिवर्सिटी में, तो बेसिकली जब आर्यन साउथ अफ्रीका से आते हैं तो मुझे वॉलंटियर करने का मौका मिलता है, मैं इनकी देखभाल वगैरह करने के लिए रहता है, और इनकी लव स्टोरी और हमारी मेरी लव स्टोरी पैरेलली चलती रहती है, और हम चारों कैरेक्टर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी और नेल्सन मंडेला वो तो सेम आइडियोलॉजीज़ के हैं, बट कैरेक्टर्स में इन दोनों की आइडियोलॉजीज में जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं और वो लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, तो उस बारे में स्टोरी। तो कुछ क्लियर करेंगे मतलब क्या पर्टिकुलरली ये चीज है, क्या एक्चुअली ये मैटर क्या है, पीस और मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये मैटर ये है कि देखिए एक कॉम्पिटिशन हो रहा है जो कि नेशन वाइड या एक इंटरनेशनल पीस सेमिनार है, तो अब जब एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है तो दोनों ही तरफ पे दो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, तो वहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है, और वो पार्टिसिपेंट्स कौन हैं और उनके बीच में क्या कंपटीशन चल रहा है, जीतने वाला कंपटीशन जीत रहा है या हार रहा है, या फिर जो वॉलंटियर्स हैं वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सबके बीच में, तो ये ऐसी चीज़ है जो प्लॉट आप समझने से ज़्यादा फील कर पाएंगे अगर आप जी जी एक्चुअली जो AMU यूनिवर्सिटी में ना एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया है कि पीस पे सेमिनार हेल्ड हो रहा है, तो जिसमें एक जना रिप्रेजेंट कर रहा है नेल्सन मंडेला को और दूसरी जगह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गांधी जी को, बेसिकली उन दोनों की आइडियोलॉजी यही थी कि कैसे पीसफुली सारी चीज़ों को लड़ा जा सके उन सारी चीज़ों से,
तो उस पीस सेमिनार के दौरान ही ये स्टोरी, लव स्टोरी क्रिएट होती है और कैसे कैसे इन दोनों के बीच में जो, मतलब फॉर एग्जांपल इनकी जो आइडियोलॉजी से अपनी अपनी लाइफस्टाइल में, तो कैसे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और हम जब इनसे मिलते हैं पहली बार, हमारी बॉन्डिंग इनसे क्या रहती है, फिर आगे जाके कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आते रहते हैं लव स्टोरी में, तो वो देखने पर ही समझ में आएगा. तो क्या रोमांस कहाँ से आ गया, मतलब सर रोमांस तो देखिए बॉलीवुड की फिल्म बन रही है, आई थिंक रोमांस हमारा बहुत जो मेरी जो कोस्टार है इसमें जिनके साथ मैं पेयर अप हुआ, अंकिता साहू, शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड नॉट इवन जस्ट हर, इवन इनकी भी जो कंपेनियन है फिल्म में जो कनिका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी यू नो मैग्निफिसेंट परफॉर्मर. तो इन दोनों के साथ काम करना वॉज जस्ट मेकिंग थिंग्स हैपन. आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे थे, इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? आपको कुछ गिव एंड टेक इतना स्मूथली हो रहा था कि योर परफॉर्मेंसेस वर जस्ट फ्लोइंग आउट. तो आई थिंक शी हैज ऑलरेडी डन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन साउथ एंड शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ टेलीविजन. तो पूरी फिल्म का जो एक महीने का हमारा ड्यूरेशन है वो साथ में परफॉर्म करना, एक दूसरे को समझ पाना और साथ ही साथ कायरा और आर्यन जो दोनों के कैरेक्टर्स हैं, इनको लाइफ, यू नो, जस्ट ब्रीदिंग लाइफ इनटू दीज कैरेक्टर्स, इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. मेरे कैरेक्टर में ऐसा है, जैसे जो कबीर का कैरेक्टर स्टार्टिंग इनिशियल फिल्म जब स्टार्ट होती है तो आपको थोड़ा सा फन लविंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसा लगेगा, बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है तो बहुत सारे इमोशनल ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं कि वो फिल्म देखने पर ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो इन दोनों के लव स्टोरी से काफ़ी चेंज होती है, काफ़ी प्रभावित होती है. और फिर जैसे जैसे पता चलता है कि आर्यन की चीज़ें हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही है और कायरा की चीज़ें इधर अफेक्ट कर रही है, तो हमारे लव स्टोरीज़ में बहुत सारे, मतलब, लूप होल्स आ जाते हैं और उसके बाद फिर कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है, तो वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आया. सो बेसिकली आई फील प्यार के दो नाम इज द मूवी नेम और जो मेरा कैरेक्टर है वो साइमा का है. तो साइमा एक ऐसी, मैं अपनी कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताऊंगी. साइमा एक ऐसी लड़की है जो यंग है और इस जनरेशन से ताल्लुक रखती है, पर उतना ही उसके रूट स्ट्रांग है इन टर्म ऑफ उसके वैल्यूज, प्रिंसिपल टुवर्ड्स हर रिलीजन. तो वो जो बैलेंस बना के इस कैरेक्टर ने रखा हुआ है वो बहुत खूबसूरत है, वो देखने लायक है. और रही बात इसकी, ये मैसेज की, आई थिंक साइमा ये मैसेज देना चाहती है पहली बात कि आप मॉडर्न ख्यालात के साथ आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को भी कायम रख सकते हैं और साथ साथ चल सकते हैं. या करियर स्विच ऑफ होता है बहुत ज़्यादा. सो मैंने ज़्यादातर, एक ब्रॉडवे म्यूजिकल था बल्ले बल्ले जो विस्क्राफ्ट ने प्रोड्यूस किया था, मैंने उसके शोज़ किए हैं कुछ 200 शोज़ एज ए लीड. उसके बाद मैंने थिएटर किया और हाँ, यहाँ तक आने की जर्नी, क्योंकि हम आउटसाइडर्स पता नहीं होता, पर आपको मैं सच बताऊँ एक चीज़, मेहनत मेहनत और मेहनत. मतलब अगर आप गिर भी रहे हो फिर आपको अगले दिन उठना है, कि देर इज़ नो ऑप्शन. सो ये जर्नी वैसी है और इसके बाद भी जर्नी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि एक्टर की लाइफ ही ऐसी होती है. हाँ, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है कि आपको लोग जानने लगते हैं, आपका काम अगर अच्छा लगता है, आपने अगर काम अच्छा किया हो, तो यही है जर्नी. यस, डायरेक्ट, एक्चुअली सच बताइए, सर का नज़रिया चीज़ों को देखने का बहुत अलग है. मतलब अगर दो इंसान खड़े होंगे, उन दो इंसानों के ऊपर कविता बना देंगे. तो उस आइडेंटिटी के साथ काम करना एक अपने में ही बहुत अच्छा और अलग एक्सपीरियंस है, वो भी इतने नए जर्नी में हमारे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट करियर शुरू किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनकी डायरेक्शन. उनको एक लाइन दे दी, वो एक लाइन देते थे और हमें लगता था कि इसका यही मीनिंग होगा, पर वो बकायदा 10 मीनिंग निकाल के आते थे, कहने का इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, पर मुझे ये वाला थर्ड वाला मीनिंग चल गया. तो ऐसी शख्सियत के साथ काम करना सौभाग्य वाली बात है. थैंक यू सो मच सर.